नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। ये अंतर्राष्ट्रीय खबर है लेकिन बिहार से जुड़ी हुई है, इसलिए आप तक पहुंचाना जरूरी है। आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूस ने अपने 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों और घातक हथियारों का सीमा पर तैनाती कर रखा है। अमेरिका सहित तमाम देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। यूक्रेन में बिहार सहित देश भर के करीब 20,000 छात्र फंसे हुए हैं। इनमें से बिहार के 1,000 छात्र भी शामिल हैं। छात्रों का कहना है कि वैसे शहर के अंदर किसी प्रकार की कोई अभी परेशानी नहीं है, लेकिन हालात नाजुक होते जा रहे हैं, जिससे उनकी चिंता बढ़ती जा रही है और इसलिए वो भारत लौटना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने वतन वापसी की गुहार इन छात्रों ने लगाई है। और आपको पता है कि यूक्रेन में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई ये छात्र कर रहे हैं। ज़्यादातर छात्र पटना, पूर्णिया, दरभंगा, छपरा, आरा, बक्सर समेत कई जिलों के हैं। और फंसे हुए इन छात्रों और उनके परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्हें सही सलामत अपने वतन वापस लाने की मांग की है। यूक्रेन में ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे बिहारी छात्र काफ़ी परेशान हैं। ताज़ा हालात को देखते हुए सभी छात्र अपने वतन और अपने प्रदेश लौटना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल की गई है या नहीं, इसकी आधिकारिक सूचना मुझे नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव में जो भारतीय दूतावास है, उसने भी एडवाइजरी जारी किया है और कहा है कि यूक्रेन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वहाँ रह रहे भारतीयों को, खासकर छात्रों को, यूक्रेन में नहीं रहना चाहिए और अपने देश वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत आने के लिए कोई फ़्लाइट नहीं है, और कोई फ़्लाइट मिल भी रही है तो 1-1.5 लाख रुपया किराया है। और कब टिकट कैंसिल हो जाएगा, टिकट कैंसिल भी हो गया तो पैसा रिफंड नहीं मिल रहा है। तो छात्रों का कहना है कि उनको वापस लाने के लिए कम से कम सरकार ये व्यवस्था करे कि सस्ता टिकट उनको मिल जाए, और टिकट हो कटा लें तो उनके देश वापस लौटने की गारंटी हो। तो मुझे लगता है कि देश स्तर का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है, तो प्रधानमंत्री को ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से इस बारे में बातचीत भी कर सकते हैं। तो छात्रों ने जो मांग की है, सिटी पोस्ट उम्मीद करता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले पहल करेंगे और प्रधानमंत्री से बात करके अपने छात्रों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिश करेंगे।